भैया खाली खाने बनाएंगे कि सोनुआ के बारे में कुछ सोचेंगे भी? सारा पत्रकार उसी को दिखा रहा है, आप खाना बनाने में लगे हुए हैं। क्या सोचे सोनुआ के बारे में? क्या सोचे बोल, तुम क्या सोचे सोनुआ के बारे में? हम सब साला खाली सोनुआ के पीछे पड़ा हुआ है, पत्रकार से लेकर के नेता तक सब सोनुआ के पीछे पड़ा हुआ है। तो एक सोनुआ के बारे में सोचने से बिहार का भविष्य नहीं बदलने वाला है। और क्या सोचे उसके बारे में? उसके बारे में सोच सोच के मेरा दिमाग साला पागल हो गया है। अब क्या सोचे, क्या बचा है उसके बारे में सोचने के लिए? किसी ने भी आज तक नहीं कहा कि बिहार के बाकी बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। यहाँ पक्ष का जो नेता है, जिसकी सरकार है, उस सब शेर बन के घूम रहा है और विपक्ष का नेता सारा हिजड़ा बन के बैठा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष के सभी नेताओं से कि अरे तुम लोग क्या नेतागिरी करते हो? बंद कर अपने पार्टी को और ट्रेन में जाकर पैसा मांगने का काम करो। यही काम विपक्ष के नेताओं के लिए बचा है। यदि कुछ करना है तो ये संजीत कुशवाहा तैयार है शिक्षा मंत्री के छाती पर चढ़ के दाल धरने के लिए। यदि मेरा साथ देना चाहते हो तो पहुंचो शिक्षा मंत्री के दरवाजे पे। मैं चलता हूं और शिक्षा मंत्री से केवल एक सोनू का नहीं, मैं उस सोनू का विपक्ष में भी नहीं हूं, लेकिन इसके पक्ष में जरूर हूं। उस सोनू के साथ मेरे भाई का जीवन बदले और तमाम बिहारवासियों का भाई का जीवन बदले। क्या सोचू सोनू के बारे में? क्या सोचू बोल तुम? क्या सोचू मैं उसके बारे में? सब साला सोनू क्या किया? सोनू ने क्या क्या सुनूंगा बोलो जरा। यदि मैं शिक्षा मंत्री से सवाल पूछूं कि आपके विद्यालय के बोर्ड में 77% काय होता है, जवाब निकलेगा उसके हेगड़ी से? सुशील मोदी तो गए थे, मैंने सवाल पूछा भी था, सब लोग ही बता रहा था सुशील मोदी आए, सुशील मोदी खाक, सुशील मोदी आए। ये तो सोनुआ के लिए सुशील मोदी आ गए तो क्या बड़का एहसान कर दिए हैं? मैंने पूछा था कि बाकी सोनू के बारे में क्या होगा? क्या सब किसी को बारी बारी से मुख्यमंत्री के बारे में मिलना पड़ेगा और मुख्यमंत्री से कहना पड़ेगा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ? जवाब दिया कुछ हो? उसका लफ्ज बंद हो गया, लगता था कि फेविकिक से दूर उठवा को सार दिया गया है। क्या जवाब दिया सुशील मोदी ने? यदि हिम्मत होती, करेज में दम होता तो मैंने बंदूक लेके सवाल नहीं पूछा था, केवल माइक और कैमरा लेके सवाल पूछा था। एगो जवाब तो देके जाते कम से कम। क्या सोचो उसके बारे में? सब नेता सब अपना नाम चमकाने में, वोट बैंक बनाने में और पत्रकार सब अपना टीआरपी बढ़ाने में लगा है। यदि हिम्मत है देश के पत्रकारों में तो चलो उस स्कूल में जिसमें विद्यालय के बोर्ड में 77% रहता है, चलो शिक्षा मंत्री के दरवाजे पे। क्यों नहीं विद्यालय की व्यवस्था बदल रहा है? शिक्षा मंत्री हमारा नौकर है और हम उसका मालिक है, ना कि हम उसका चापलूस है। हम उसका चापलूसी करे और शिक्षा मंत्री एसी में बैठ कर राज करे। और विपक्ष का नेता तो ऐसे ही खड़ा हो गया है जैसे ट्रेन में छाका पैसा मांगता है। और उससे भी बदतर स्थिति विपक्ष के नेताओं का है। और मैं खाना बना रहा हूँ और खाना बना के खा रहा हूँ और सोच रहा हूँ इस बात को कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाली है वो कम से कम बदल जाए। यदि कोई मेरा साथ दिया तो भी मैं खुश हूँ। और इस आंदोलन में यदि संजीत कुशवाहा मर भी गया तो मेरे जान की कोई प्रभाव पड़ने वाली नहीं है और ना ही मैं किसी के बारे में सोचने वाला हूं। मेरे बाप ने मुझे पैदा किया है और मर्द समझ के पैदा किया, तो मर्दों वाली काम करूंगा, हिजड़ों वाली काम नहीं होगी हमसे। और ना ही एससी में बैठ के सत्ता के नेताओं से मैं सवाल पूछने का काम करूंगा। मेरा नाम संजीत कुशवाहा है और मैं तब तक लड़ूंगा जब तक सबकी ईंट से ईंट नहीं बजा दिया। और ये मैं करके दिखाऊंगा, भले बिहार के लोग मेरा साथ दे या नहीं दे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं इतना पसीना बहा रहा हूँ और इतने जोर से चिल्ला रहा हूँ, इसका पीछे मेन मकसद यह है कि हमारे घर परिवार के साथ तमाम बिहार के सभी लोगों का भविष्य बचे और सभी का भविष्य बने। मैं इसके पक्ष में हूँ और ना इसके पक्ष में हूँ कि सोनुआ को प्राइवेट विद्यालय में नाम लिखवा दिया। पता है सुशील मोदी और नीतीश कुमार ने क्यों सहकार लिया कि मैं सोनुआ का एडमिशन प्राइवेट विद्यालय में कराऊंगा? ताकि कोई भी पत्रकार नेता के बेटा पे सवाल नहीं खड़ा करे कि उसका बेटा प्राइवेट विद्यालय में क्यों पढ़ता। सच्चाई यह है और इसी सच्चाई को दिखाने के लिए मैं आ गया हूँ। मैं दिखाऊंगा, बनाऊंगा। और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को शायद यह पता नहीं होगा कि सोनुआ कैसे फैमिली से बिलोंग करता है, सोनुआ की असली हकीकत सच्चाई क्या है, सोनुआ गरीब तो उसका चाचा करोड़पति कैसे बन गया, इसको प्रूफ के साथ मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और जिंदा बचा और कानून के चंगुल से यदि बाहर रहा और सबके लिए लोगों ने मेरा साथ दिया, बिहार के लोगों ने मेरा साथ दिया, तो मैं शिक्षा मंत्री के दरवाजे पर जाकर शिक्षा मंत्री से सवाल पूछने का काम करूंगा। चाहे मुझे जेल में डाल दे, मुझे फांसी पर चढ़ा दे या शिक्षा मंत्री का गार्ड संजीत कुशवाहा को गोली मार दे। और गोली मारेगा तो मैं उसके लिए सामने तैयार रहूंगा। मारा गोली संजीत कुशवाहा उसके लिए तैयार है, लेकिन बिहार के बच्चों का भविष्य बदलना चाहिए। हम भले कचरा वाला जिंदगी जी रहा है लेकिन बिहार के बाकी सभी बच्चों का भविष्य बनना चाहिए। इसके पक्ष में संजीत कुशवाहा सदैव खड़ा रहेगा। और बाकी वीडियो बना रहे हो तो बनाओ और वीडियो को वायरल करो। मैं देखता हूँ कि बिहार के लोगों में कितना दम है कि संजीत कुशवाहा के साथ कितने सारे लोग खड़ा होते हैं। यदि खड़ा हुआ तो इतिहास लिखाएगा कि संजीत के साथ बिहार के लोगों ने सच्चाई के लिए लड़ा और
ही आवाज उठाया, लेकिन यदि लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो इसके बाद फिर 104 अच्छा पत्रकार इस धरती पे जन्म लेने से डरेगा, और गलती से जन्म ले भी लिया किसी माँ के कोख से तो किसी नेता और मंत्री के खिलाफ बोलने से भी डरेगा। मैं उस सोनू के विपक्ष में खड़ा नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि सोनू का आईएएस बनने का सपना है तो सोनू आईएएस बने, लेकिन हमारा भाई ठेला चलाने के लिए पैदा नहीं ना हुआ है, और बिहार के बाकी सभी लोगों का बेटे ठेला चलाने के लिए फायदा नहीं हुए, और ना ही रिक्शा चलाने के लिए, ना ही कचरा से बोतल बीनने के लिए। सभी का कुछ ना कुछ सपना होता है, और सपनों को साकार करने के लिए आगे आना पड़ेगा, बिहार के लोगों को जगना पड़ेगा, और विपक्ष के जो नेता हिजड़ा बने हुए हैं उनको खड़ा होकर के काम करना पड़ेगा, तब जाकर के बिहार की बदहाली बढ़ेगी। क्या बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हुआ किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन विपक्ष के नेता केवल एसी वाले कमरे में बैठ करके सवाल पूछने का काम करता है, उससे बिहार का भविष्य बदलने वाला नहीं है।